सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय है कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण में भी कुछ हम कर चुके हैं, कुछ में हमने किया था। कारक क्या है? क्रियाजनकम, कारकम, या फिर जो क्रिया को करता है वो कारक है, या क्रिया का जन्म जिससे होता है वो कारक है। कारक हमने पढ़ लिया था कितने प्रकार का, ये पढ़ लिया था। फिर हमने प्रथमा व्यक्ति यानी कि कर्ता कारक जहां होता है, प्रथमा व्यक्ति जहां थी वो कर लिया था। उसके बाद हमने द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक शुरू किया था, उसमें कुछ हमने कर लिया था, कुछ सूत्र, कर्म संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र था और विभक्ति किससे हो रही थी, और उसमें जो सबसे अंत में हम कर रहे थे उसमें जो सबसे लास्ट सूत्र हमारा था वो आया था तथा युक्तम च अनिप्सितम, कि जैसे इप्सित की कर्म संज्ञा हो रही थी वैसे जो अनिप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा होगी, लेकिन तथा युक्तम च अनिप्सितम इस सूत्र से होगी, लेकिन उनकी होगी जो इप्सित नहीं है उसकी कर्म संज्ञा तो तथायुक्तम च अनिप्सितम सूत्र करा था। लेकिन यदि कर्ता को क्रिया के द्वारा वो यदि इप्सित है, बहुत ज्यादा इप्सित है, तो वहां पे यदि कर्म संज्ञा हो तो वो कर्म संज्ञा कौन करेगा? फिर वो करेगा कर्तुः इप्सितम कर्म, वो सूत्र जहां इप्सित है वहां पर वो सूत्र करेगा, जहां इप्सित नहीं है वहां पे तथायुक्तम च अनिप्सितम करेगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सूत्र करता है कर्म संज्ञा करता है अकथितम च, अकथितम जो नहीं कहा गया, जिसकी विवक्षा नहीं है, ऐसा कुछ भाव इसमें प्रकट हो रहा है, करता ये भी कर्म संज्ञा है। कैसे करेगा, किन की करेगा, अब देख लेते हैं। अपादान आदि विशेषई अविविक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान आदि की विशेष रूप से अविविक्षा होने पर, अपादान आदि कारक का मतलब है कि जहां पर सभी कारक आ जाए। अब अपादान आदि क्यों कहा, कर्ता आदि क्यों नहीं कहा? क्योंकि आदि जब भी हम लगाते हैं इसका मतलब है कि साथ आने वाले, और जो पहला शब्द लेके आते हैं वो उस चीज का सबसे पहला होता है। यहाँ अपादान आदि आया, इसका मतलब है कि जब कारक हम करते हैं उसमें सबसे पहले अपादान से प्रारंभ किया गया है, उसके बाद धीरे धीरे और कारक आते हैं, इसलिए लिखा है कि अपादान आदि विशेष रूप से जो अपादान आदि कारक है उनकी विवक्षा, अविवक्षा जब हो, विवक्षा होती है कहने की जब इच्छा, और अविवक्षा होती है जब कहने की इच्छा ना हो। भाव यहाँ ये है कि वहां पर जो वाक्य होगा वहां पर कारक तो ये होगा अपादान आदि, अपादान संप्रदान करण कर्म, कर्म को छोड़ दीजिए क्योंकि कर्म तो यहाँ हो ही रहा है, और जो कारक बच गए हमारे उनकी विवक्षा है, कहना वो चाह रहे हैं, कहा वो जाएगा लेकिन फिर चाहते नहीं है, उस कारक को हम कहना नहीं चाहते, इसलिए उनकी अविवक्षा होने पर, उनकी चाहत बोलने की चाहत न होने पर फिर वहां पे कर्म संज्ञा हो जाती है। और यहाँ पर एक विशेष बात है, अकथितम च जो सूत्र लगता है वो जो कर्म संज्ञा करेगा वो गौण कर्म की करेगा, गौण कर्म की करेगा इसका मतलब कि कोई ना कोई मुख्य कर्म भी होगा, यानी कि जो दो कर्म होते हैं एक वाक्य में दो कर्म होंगे, उनमें से जो गौण कर्म होगा उसकी अकथितम च से कर्म संज्ञा होगी। और यदि फिर मुख्य कर्म की बात करें तो फिर वही आ जाता है मुख्य कर्म, इसका मतलब कर्ता को इप्सित है, वहां पर कर्तु इप्सितम कर्म करेगा, और जहां पर गौण कर्म की बात है अकथितम जैसे गौण कर्म की कर्म संज्ञा होगी। उसके बाद में ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये उदाहरण है कुछ धातुओं के, और धातु भी वो है जो द्विकर्मक है, जिन धातुओं के साथ दो कर्म लगे हुए हैं वो द्विकर्मक धातु कहलाती है। उन्हीं द्विकर्मक धातुओं के ये उदाहरण है, 12 ऐसी धातुएं हैं, 16 ऐसी धातुएं हैं जो द्विकर्मक है, और जहां द्विकर्मक धातु आ जाएगी वहां दो कर्म होगा, उनमें से जो गौण कर्म है उसमें अकथितम च से कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होते ही कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हर उदाहरण से हम देखेंगे कि इसमें गौण कर्म क्या है और विवक्षा किसकी हो रही, अविवक्षा हमने किसकी किया, यानी कि आना कौन सा कारक था लेकिन हम चाहते नहीं वो कारक लगाना, यानी कि हमारी जो अविवक्षा है वो देखेंगे, मुख्य कर्म और गौण कर्म देखेंगे, और गौण कर्म में कौन कर्म संज्ञा करता है, मुख्य कर्म में कौन करता है, फिर विभक्ति कौन करता है, वो सब देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है वो है गाम दुग्धि प्याह, गाय से दूध दोया जाता है। अब हमारे लिए इप्सित क्या है, कर्ता को इप्सित क्या है, दूध धोना, दूध चाहिए उसको, चाहे वो गाय का है, चाहे भैंस का है, चाहे बकरी का, किसी का भी हो, दूध से मतलब है। तो इप्सित कर्म क्या हुआ, दूध, यानी कि दूध मुख्य कर्म है। अगर बात करें मुख्य कर्म की तो इसमें जो पया है वो है मुख्य कर्म, फिर गौण कर्म क्या है, यहां पर भी द्वितीय व्यक्ति है
और यहां पर भी। तो गौण कर्म गाय, गाय से दूध दोहना इप्सित है, मुख्य कर्म है, और किससे धुआ जा रहा है, गाय से। तो जो गौण कर्म है वो हमारा है गाम। अविवक्षा किसकी है, अविवक्षा है हमारी गाय से जब दूध धोया जा रहा है, इसका मतलब गाय से दूध को अलग किया जा रहा है, और अलग करने के अर्थ में होता है अपादान। अविवक्षा है अपादान की। और कर्म संज्ञा हुई फिर किसकी हुई, गौण कर्म क्या है गाम, गाम की कर्म संज्ञा की अकथितम चयने और कर्मणि द्वितीय से हुई द्वितीय विभक्ति। और यदि हम बात करें पयह, प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में कि पयह की किसने की कर्म संज्ञा, तो पयह की है कर्तुः इप्सितम कर्म, पयह की। अब ये उदाहरण, क्योंकि पेपर में तो उदाहरण दे दिया जाता है, जैसे हमें दे दिया जाए गाम दोगदी पयह, ये उदाहरण दे दिया गया। अब क्या करेंगे, अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि कर्म संज्ञा किसने की। अगर अंडरलाइन यहां है पयह, ये अंडरलाइन कर दिया जाए और पूछा जाए कि यहां कर्म संज्ञा किसने की, तो यहां पर कर्म संज्ञा अकथितम चयनी नहीं की, यहां पर की है कर्तुः इप्सितम कर्म ने, कर्तुः इप्सितम कर्म से यहां कर्म संज्ञा हुई है, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई है। लेकिन यदि ये पूछा जाए, अंडरलाइन गाम पे है, गाम के नीचे अंडरलाइन है, और पूछ लिया जाए कि यहां किसने कर्म संज्ञा की, तो यहां पे की है अकथितम चयने, और द्वितीय व्यक्ति तो यही करेगा कर्मणि द्वितीय। तो ये हमने देखना है कि गौण कर्म कौन सा है और मुख्य कर्म कौन सा है। अब उसके आगे चलते हैं, बलिन याचते वसुधाम, बलि से धरती मांगते हैं। याच धातु है, मांगना क्या है धरती को, मुख्य कर्म हुआ धरती, वसुधा, वसुधा मुख्य कर्म है। तो मुख्य कर्म में अगर हम पूछा जाए हमसे कि मुख्य कर्म की कर्म संज्ञा कौन करेगा, तो कर्तुः इप्सितम, और गौण कर्म क्या है, धरती मांगी गई किससे, बलि से, चाहे बलि से मांगी जाए चाहे किसी और से मांगी जाए, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुख्य कर्म हमारा धरती है और गौण कर्म है बलि, तो गौण कर्म बलि हो गया। और यहां विवक्षा अविवक्षा की बात की जाए तो क्या है अपादान, कि धरती जब मांगी जा रही है इसका मतलब बलि से वो धरती अलग हो जाएगी, अब उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, तो अविवक्षा हो गई हमारी अपादान। और यहां पर भी अगर उदाहरण देखें, अकथितम चयसे तो बलि की हुई है, और इसमें कर्तु इप्सितम कर्म में वसुधा की, ये मुख्य कर्म है हमारा। आगे चलते हैं, तंडुलान ओदनम पचति, चावलों से भात बनाया जाता है, तंडुलान बहुवचन है क्योंकि एक चावल से नहीं बनता, चावल बहुत सारे होंगे तब बनेगा। तो यहां पर मुख्य कर्म क्या है, ओदनम पकाना, ये हमारा मुख्य कर्म है। किससे पकाया जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं, हमें कोई चीज पकानी है, पकाना हमारा मुख्य कर्म, क्या पका रहे हैं वो बाद की बात है, वो गौण कर्म है, मुख्य कर्म पकाना है। तो मुख्य कर्म हमारा क्या हुआ, ओदनम, और गौण कर्म हुआ तंडुलान, तंडुल से पका रहे हैं हम। विवक्षा किसकी है, तंडुलान ओदनम पचति, चावल से भात बनाया जाता है, तो चावल क्या है, साधन है, कारण। फिर आगे देखते हैं उदाहरण, गर्गान शतम दंडयति, गर्गो को 100 का दंड दिया जाता है, दंड दिया जाता है, दंड किसको, क्या दिया जा रहा है 100 का, तो 100 जो है वो मुख्य कर्म है, किसको दिया जा रहा है, गर्गान, गर्गो को, चाहे गर्ग को दे चाहे किसी और को दे, किसी भी बंदे को दो, वो बाद की बात है, मुख्य बात है कि क्या दंड है, दंड है 100 का, 100 रुपए का दंड है, ये मुख्य कर्म है। और गौण कर्म हमारा है गर्गान। विवक्षा क्या है, जब दंड किसी को दिया जा रहा है तो उससे वो चीज ले ली जाएगी, तो हो गया अपादान, अलग कर दिया जाएगा। अब देखिए
यहां पर कर्म संज्ञा तंडुलान की कर्म संज्ञा अकथितम जैसे हुई है और यहां पे गर्गान की अकथितम जैसे हुई है, औदनम और शतम की हुई है कर्तुः इप्सितम कर्म। आगे चलते हैं, व्रजम अवरुणधि गाम, गाय को ब्रज में रोका जाता है। किसको रोका जाता है? गाय को। तो ये मुख्य कर्म क्या है? गाय। कहां रोका जाता है वो बाद की बात है, तो जो बाद की बात है वो गौण कर्म है। तो मुख्य कर्म हमारा क्या हुआ? गाम, और गौण हुआ हमारा ब्रजम। ब्रज क्या है? एक अधिकरण है, गौशाला, जिसमें रोका जा रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा? अधिकरण की एक दीक्षा है यहां पे। और यहां पर अगर पूछा जाए गाम, इसमें पूछा जाए कि कर्म संज्ञा किसने की, तो ये मुख्य कर्म है, इसकी हुई कर्तुः इप्सितम कर्म से, और अकथितम जैसे हुई है व्रजम की। कहां रोका जा रहा है? जहां जिसकी भी अविवक्षा हो रही है वहां पर कर्म संज्ञा अकथितम चय कर रहा है। तो जो जितने भी गौण कर्म हमारे हैं वहां वहां पर अकथितम चय से कर्म संज्ञा हो रही है, और जो मुख्य कर्म है वहां वहां पर कर्तुः इप्सितम कर्म से हो रही है। आगे है हमारा माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवकम, माणवक से, शिष्य से पंथानम, पथ को, मार्ग को पूछा जाता है। अब क्या पूछा जा रहा है? पथ, रास्ता, हमारा मुख्य कर्म है पथ। किससे पूछा जा रहा है? वो तो कुछ कोई भी मिल जाता उसी से पूछ लेते, माणवक मिल गया तो माणवक से पूछ लिया। माणवकम गौण कर्म हमारा, पंथानम मुख्य कर्म है। और विवक्षा किसकी हो रही है? अविवक्षा किसकी हो रही है? किसी से हम पूछ रहे हैं, आपादन, फिर उसके बाद में अब यहां पे वही माणवक की अकथितम जैसे कर्म संज्ञा होती है और पंथानम की कर्तुः इप्सितम कर्म से। अब आगे आता है वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फल चुने जाते हैं। अब चुना क्या जाता है? फल, चाहे वो किसी वृक्ष से चुने, चाहे किसी और चीज से चुने, चाहे किसी बाजार से लेके आए चुन के, मुख्य कर्म हमारा फल है और गौण क्या है? वृक्ष। तो जो मुख्य कर्म है वहां कर्तुः इप्सितम कर्म से, और जो गौण है वहां पर अकथितम चय से। फल फलानी जो है, फल को चुना जाता है ना, फल हमारा मुख्य कर्म है और वृक्ष गौण है, आपादन कारक है, क्योंकि वृक्ष से फल को अलग कर दिया जाएगा। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्तिवा, माणवकम, माणवक के लिए, शिष्य के लिए धर्म को कहा जाता है, शासन किया जाता है, बताया जाता है। अब यहां पे दो धातु है, ब्रूते और शास्ति, ब्रू और शास्त्र दो धातु है, दोनों ही द्विकर्मक धातु है, दोनों का ही उदाहरण एक ही है ये। माणवक के लिए धर्म को कहा जाता है, तो धर्म क्या है? धर्म जो है वो मुख्य कर्म है, भी धर्म कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है वो हमारा गौण कर्म है। यहां माणवक के लिए कहा जा रहा है, वो किसी और के लिए भी कहा जा सकता था, तो मुख्य कर्म है हमारा धर्म और गौण कर्म है माणवकम। और यहां पर अविवक्षा है संप्रदान की, मानव के लिए धर्म कहा जा रहा है। उसके बाद में है शतम जयति देवदत्तम, देवदत्तम, देवदत्त ने सो जीत लिए। अब यहां क्या है? शतम सो, किसने जीते? देवदत्त ने, देवदत्त जो है मुख्य कर्म है, और क्या जीता? देवदत्त हमारा गौण कर्म है, जीता क्या है? सो, सो हमारा मुख्य कर्म है, किसने जीता? देवदत्त ने, चाहे देवदत्त हो चाहिए यज्ञदत्त, तुझे कुछ भी हो, कोई भी हो, वो बाद की बात है, अर्थात गौण कर्म है, मुख्य कर्म है सो को जीतना। सौ रुपए जीते हैं, जो जीता गया है जो चीज, सौ रुपए, वो हमारा मुख्य कर्म है और गौण कर्म क्या है हमारा? देवदत्तम, वही अपादान। इसके बाद आता है सुधाम शीर निधिम मथनाति, मथ धातु है, ऊपर जो थी जी धातु थी, यहां पे मथ धातु है, द्विकर्मक है। सुधाम, अमृत को मथा जाता है,
कहां पर? शीर निधिम, समुद्र में, सागर में। ये मतलब हमारा यहाँ किससे है? अमृत को मथने से। अमृत को मथा जा रहा है, कहां मथा जा रहा है इससे मतलब नहीं, चाहे वो नदी होती, चाहे समुद्र है, चाहे सागर है, चाहे कुछ भी है। तो मुख्य कर्म हमारा सुधा है, अमृत है, और गौण कर्म हमारा शीर निधिम है। मथा जा रहा है तो क्या हुआ, ये अधिकरण हो गया, समुद्र में मथा जा रहा है ना। इसके बाद है देवदत्तम शतम मुष्णाति। मुष धातु है, चोरी अर्थ में, शतम 100 चोरे जाते हैं, 100 रुपए चोरे हैं। जिसने चोरे हैं वो हमारा गौण कर्म है, जो चीज चोरी हुई है वो मुख्य कर्म है। तो शतम हमारा मुख्य कर्म है और देवदत्त गौण कर्म है। देवदत्त से 100 चोर लिए गए हैं, यानी कि हाँ अपादान कारक है अविवक्षा अपादान की, क्योंकि देवदत्त से चोर लिए गए हैं। आगे एक उदाहरण दिया है, लेकिन धातु यहां पर 4 दे दी गई है। ग्रामम अजाम, ग्रामम गांव से अजाम बकरियों को नियति ले जाया जाता है, हरती हरण कर लिया जाता है, कृष्टी वही वहती। ये 4 धातु है, नियति, हरती, कृष्टी और वहती, ये चारों की चारों क्या धातु है, एक ही अर्थ में, ले जाने अर्थ में, इसलिए इसका एक ही उदाहरण दे दिया गया। और यहाँ पे हमने देखना कि मुख्य क्रम क्या है और गौण क्रम क्या है। मुख्य क्या है, अजा बकरियों को ले जाया जाता है, अजाम हमारा मुख्य क्रम है। और कहां से लेके जाया जा रहा है, ग्राम, ये हमारा गौण क्रम है। गांव में लेके जाया जाता है, तो अजाम जो है हमारा मुख्य कर्म है और जो गांव है वो हमारा गौण कर्म है। और जो गौण कर्म होता है वहां अकथितम जैसे हमारी कर्म संज्ञा होती है। तो क्या है ये गांव, क्या है, अधिकरण की अभिक्षा है। अब देखिए यहां कुछ धातुओं के उदाहरण थे, इसमें हमने देखा ये हमारे मुख्य कर्म है, ये हमारे गौण कर्म है, क्योंकि कोई भी वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि इसमें मुख्य क्या है और गौण क्या है। क्यों, क्योंकि जो अकथितम च है ये सूत्र केवल गौण कर्म जो है उसकी कर्म संज्ञा करेगा, मुख्य की नहीं करेगा। और जो भी उदाहरण होगा वो द्विकर्मक धातु के साथ ही होगा, 2 कर्म वहां दिए होंगे, उनमें से हमने गौण कर्म देखना है। अगर गौण कर्म अंडरलाइन है तो वहां पे अकथितम च से संज्ञा हो जाएगी। कथितम जैसे, लेकिन यदि मुख्य कर्म अंडरलाइन है तो यहां पर होगी कर्तुः इप्सितमं कर्म से। और अविवक्षा ये है भी, जहां कोई भी उदाहरण जब हम देख रहे हैं उसकी हिंदी से पता चला कि कहना किस तरीके से चाह रहा है, और जो विभक्ति लगी है वो कर्म लगी हुई है, कर्म संज्ञा के कारण द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। तो ये और धातुएं जो 16 है, जो उदाहरण है वो कौन कौन सी है, वैसे तो इसमें उदाहरण में फिर भी एक बार देख लेते हैं। दुहु, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, ब्रू, सांस, जी, मत, मुश। 12 ये धातुएं हैं और उसके बाद 4 नी, हरी, कश और वह। ये 16 धातुएं हैं, द्विकर्मक धातुएं हैं, 2 कर्म होते हैं, इनमें ही जो गौण कर्म है उसकी अकथितम जैसे कर्म संज्ञा होती है। अब ये धातुएं दे दी, 16 धातुएं, और कहा कि इन धातुओं में कर्म 2 कर्म होंगे और अकथितम जैसे गौण कर्म की कर्म संज्ञा होगी। तो इन धातुओं का जो मतलब है और अकथितम चय जो सूत्र कह रहा है वो किन गौण संज्ञाओं की कर्म संज्ञा करेगा, गौण कर्म की
या तो ये धातु हो या इनके अर्थ वाली कोई धातु हो, जैसे ब्रू धातु है बोलने अर्थ में, अगर इसके स्थान पे भाष धातु आ जाए बोलने अर्थ में, तो उसकी भी कर्म संज्ञा कथितम चैसे होगी। तो ये जो धातुएं वो कैसे प्रयोग हुई है, ना केवल ये बल्कि इनके अर्थों वाली धातु भी, यहाँ पर अर्थ से मतलब है इनके अर्थ वाली धातु की भी कर्म संज्ञा, गौण कर्म की जब कर्म संज्ञा करनी होगी तो वो अकथितम चैसे होगी। तो यही था, एक ही सूत्र किया है आज हमने क्योंकि इसके उदाहरण ज्यादा थे। सूत्र था हमारा अकथितम चय, ये सूत्र करता है कि अपादान आदि की, जहां पर अपादान आदि कारक आ सकते हैं लेकिन उसकी अविवक्षा है, हम बोलना नहीं चाहते उस कारक को, तब हम क्या करते हैं, कर्म कारक ले आते हैं और द्वितीय विभक्ति कर देते हैं, तब उन उन बात में यानी कि अपादान आदि कारक ना लगाकर कहां कहां हम द्वितीय व्यक्ति करते हैं कर्म संज्ञा करके, उनके उदाहरण और द्विक्रमक धातु में होती है और गौण कर्म जो होता है उसमें होती है। ये हमने उदाहरण से देख लिया कि गौण कौन से हैं, मुख्य कर्म कौन से हैं। अगर गौण कर्म पूछते हैं तो अकथितम जैसे, यदि मुख्य कर्म पूछ लिया जाए तो कर्तुः ईप्सितम कर्म से, और यदि ये पूछा जाए कि विभक्ति द्वितीय विभक्ति किसने की, तो उसका एक ही उत्तर है कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई है। और यहाँ पर अपादान आदि कहा है इन कारकों में तो होगी, लेकिन यदि षष्ठी विभक्ति की बात करें हम तो वहां पर कर्म संज्ञा नहीं होती। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, मानक्षे पितरम पंथानम पृच्छति। अब देखिए यहां पर पंथानम में तो द्वितीय व्यक्ति है, पितरम में भी है, अब यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति है, यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होगी क्योंकि माणवक जो है वो क्या, माणवक का पिता, माणवक का मतलब नहीं है, पिता जो है वो मुख्य हो गया है हमारा, माणवक मुख्य नहीं रहा, तो यहाँ जहां षष्ठी व्यक्ति होगी वहां पर कर्म संज्ञा नहीं है। इसके अलावा पदान आदि जो कारक, क्योंकि जो षष्ठी व्यक्ति आती है संबंध जो आता है वो कारक नहीं होता, वहां केवल षष्ठी व्यक्ति प्रयुक्त होती है, इसलिए पदान आदि जो कारक है उनकी अविवक्षा होने पर गौण क्रम में अकथितम चय से कर्म संज्ञा होती है। धन्यवाद।